हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कोई ऐसा पौधा चाहते हैं जो हमेशा आपके गार्डन में आपका साथ बनाए रखे और इस तरीके से बंचेस में फ्लावरिंग देखकर आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत कलर्स देता रहे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। फ्रेंड्स, बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा प्लांट जिससे हमेशा आप बंचेस में फ्लावर पाते रहेंगे और आपका गार्डन हमेशा सुंदर दिखता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति और बहुत सारा स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल दीप्तीज ग्रीन गार्डन पर। फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये पौधा दिख रहा है, इसका नाम है टिकोमा प्लांट। ये प्लांट इतना खूबसूरत होता है, दो तरीके से आता है ये। या तो आप इसे बेल के तरीके से ऊपर चढ़ा सकते हैं, या इस तरीके से जो ये एक प्लांट है, पेड़ की तरह श्रब सा होता है ये। ये देखिए, झाड़ी नुमा प्लांट होता है। इस तरीके से आप दोनों में से जो भी आपकी नर्सरी में आपको मिल जाए आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी जानकारी लेना शुरू करते हैं हम। इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसकी हमेशा जैसा मैं बताती हूँ वैसे ही वेलड्रेन मिट्टी इसकी होनी चाहिए। वेलड्रेन मिट्टी में हम लेंगे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा लेंगे हम रेत और एक हिस्सा लेंगे हम कंपोस्ट। जो भी कंपोस्ट आपके पास है आप ले सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छे से वो डीकम्पोस्ट हुई होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे सनलाइट की। सनलाइट इसे डायरेक्ट चाहिए, कम से कम इसे 4 से 5 घंटे की धूप तो इसे चाहिए। हमेशा फ्रेंड एक बात का ध्यान रखना है, जो भी प्लांट्स आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको डायरेक्ट सन चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप ऐसी जगह में इसको रखें जहां पर कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आती हो, और अगर पूरे दिन भर की धूप में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको गर्मी के दिनों में इसमें इसको थोड़ा सा शेड में रखना है 2-3 महीने के लिए बस। इसके बाद बात करते हैं हम फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर इसे, जैसा मैंने बताया कि सितंबर, पहले भी मैं आपको सारे वीडियोस में बताया, सितंबर और फरवरी दो महीने ऐसे होते हैं जब आपको अपने प्लांट्स में पहले से ही तैयारी करके अच्छे से फर्टिलाइजर देकर उसको रख देना है। गमले में बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर देना है, बहुत अच्छे से ऊपर से मिट्टी निकालकर जो फर्टिलाइजर आपके पास है, वर्मी कंपोस्ट, अगर आप डीएपी एनपीके केमिकल वाला यूज करते हैं तो वो, जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आपको इन 2 महीनों में बहुत अच्छे से डालकर तैयारी कर लेनी है, ताकि आने वाले सीजन में आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहे और अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे। इसके बाद बात करेंगे हम पानी की। पानी इसका आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा पानी भरा हुआ ना रहे, मिट्टी हमेशा सौगी सौगी सी ना रहे। जब इसकी मिट्टी ऊपर से हल्की सी आपको ड्राई फॉर्म में दिखने लगे, हल्की सी सूखी सूखी सी दिखने लगे, आप उसमें पानी डाल दें। तो मेरे ख्याल से जो मिट्टी सॉइल मिक्स मैंने आपको बताया है उसमें आपको डेली ही वाटरिंग, क्योंकि ये धूप में रहता है इसलिए डेली वाटरिंग करनी पड़ेगी, और गर्मियों के दिनों में आपको दिन में 2 बार इसमें वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो हमने बात कर ली मिट्टी, पानी, सनलाइट, फर्टिलाइजर, सब कुछ। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छा सा प्लांट है। कभी मैंने इसमें कीड़े या कोई ऐसा कोई पेस्ट अटैक इसमें देखा नहीं है। और इसमें एक इसकी खासियत है, जैसे कि ये बंचेस में फ्लावर्स आ रहे हैं इसके, जैसे ही ये इसके फ्लावर्स ख़त्म होंगे बस वो 1 हफ्ते के रेस्ट के बाद तुरंत फ्लावरिंग शुरू कर देता है। इतना प्यारा प्लांट है। और बीच बीच में आप इसको 15 दिन 20 दिन में, जैसा ठंडा मौसम होता है, जब वेदर ठंडा होता है तब आप इसको 15 से 20 दिन में आप इसमें कंपोस्ट डालेंगे, और जब गर्मियां शुरू हो जाती हैं, वैसे तो आपको एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, गर्मियां शुरू होती हैं तब आपको थोड़ा सा लेट करके डालना है, महीने में एक बार, या ड्यूरेशन आप इसका फर्टिलाइजर देने का बढ़ा देंगे। हाँ, अब मैं आपको ये जो चीज़ बताने वाली थी कि इसका जो फ्लावरिंग सीजन होता है समर, जो स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होगा फरवरी के बाद, तब से लेके ये नवंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। उसके बाद जब सर्दियां शुरू होंगी, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी मौसम में, तब ये अपनी फ्लावरिंग बंद करके थोड़े दिन डॉर्मेसी में चला जाएगा, प्लांट्स थोड़े दिन रेस्ट पर चला जाएगा, शायद फ्लावरिंग नहीं दे या कम दे, डिपेंड करता है कि उसको कैसी कंडीशंस मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फिर मैं आपको फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही नए, बहुत सारे बंच में फ्लावरिंग देने वाले प्लांट के साथ मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।